मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते सुरसा रूपी महंगाई के विरोध में ज्ञापन। एक ओर प्रदेश की जनता महामारी से पीड़ित है, जन सामान्य ने अपनों को खोया है। इस वैश्विक महामारी कोविड-19 में लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। उसके अलावा इस बीमारी के कारण लोगों की जमा पूंजी भी निजी अस्पतालों की लूट की भेंट चढ़ गई है, जबकि उनके पास रोजगार भी नहीं है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि करके महंगाई को अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है। पेट्रोल डीजल के अधिक दामों की वजह से आवागमन एवं ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो गया है, जिससे सामान्य जन के दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, लगभग 1.5 वर्ष पहले खाद्य तेल के दाम लगभग 85 रुपए लीटर हुआ करते थे, जो कि अब 200 रुपए के पास पहुंच चुके हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक दैनिक उपयोगी वस्तुओं के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त दवाइयों के जो दाम 2 वर्ष पूर्व हुआ करते थे, अब उनमें 25 से 180% तक बढ़ोतरी हुई है, जिससे कई जीवन उपयोगी दवाइयों की कीमत लगभग दोगुनी से भी अधिक हो चुकी है। इसी प्रकार से रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि से कई स्थानों पर प्रदेश की जनता ने परंपरागत चूल्हे अपना लिए हैं, जिसका विपरीत प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ा, साथ ही साथ पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। बिजली बिल के नाम पर भी प्रदेश की आपातग्रस्त जनता को बिजली कंपनियों द्वारा मनमाने ढंग से लूटा जा रहा है। नगर निगम ने भी किसी तरह के मकान दुकान के करों व जल कर में छूट देने का काम नहीं किया है। इस भीषण महंगाई व वैश्विक महामारी के दौर में सामान्य व्यक्ति का जीविकोपार्जन अत्यंत दुष्कर हो गया है। आज की आवाज न्यूज जिला बैतूल से आशीष उगड़े की रिपोर्ट।